नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चरण सिंह टांक जी के आदेशानुसार पूरे भारत सभी प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा प्रदेश के जिला अधिकारियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजेश बेनीवाल व प्रदेश के पदाधिकारियों ने भी माननीय उपराज्यपाल व दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को भी माननीय प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें निम्न मांगे रखी गई। ठेकेदारी जैसी कुप्रथा को खत्म किया जाए। पहले एवजीदार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाती थी, उसे निगम में बंद कर दिया गया है, उसे दोबारा एवजीदार भर्ती किए जाए। आबादी एवं हेल्थ मैनुअल के अनुसार भर्ती, पृथक आरक्षण, समान कार्य समान वेतन, सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। अवशीय सुविधा, राजनैतिक साझेदारी, ऋण सुविधा 25 लाख की जाए। कृषि के क्षेत्र में प्रोत्साहन, 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि दी जाए। उच्च शिक्षा तकनीकी श्रमिक कामगार के रूप में वर्गीकरण, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। कोरोना महामारी में शाहिद हूवर में मरे गए कर्मचारियों को सरकार के द्वारा की गई आर्थिक घोषणाओं के अनुसार उनके परिजनों को वो लाभांश दिए जाए। सभी कार्यकर्ताओं ने विजय कुमार बोहत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, फेरू सिंह कंडेरा प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष, सुनील धंजाल प्रदेश कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष अशोक बालगुहेर, इंद्रपाल राजेश वेद प्रदेश सचिव अशोक बोहत, मान सिंह विकास कठेरिया जोन अध्यक्ष, रोहित बेनीवाल, करमबीर आशीष और सभी साथियों ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश बेनीवाल के साथ मिलकर ज्ञापन सौंपा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक अपील करना चाहता हूँ, खाली पैर दुलाने मात्र से काम नहीं चलेगा, आर्थिक सामाजिक व शिक्षा नीति के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। यही मेरा उनसे एक प्रार्थना है। जय भीम, धन्यवाद।